भैया हाँ बता। मुझे आपसे कुछ काम है। क्या हो बोल। वो प्लीज भाभी को मत बताना, फिर वो गुस्सा करेंगी। अरे क्यों गुस्सा करेगी, हुआ क्या? वो बात ये है कि जैसे आपने देखा पापा को कि पापा आजकल कैसे आ जाते हैं पैसे लेने। तो सभी ने देखा बेटा। तो मैंने ना थोड़े से पैसे जमा कर रखे हैं अपने पास। वो तो अच्छी बात है। तो आप प्लीज अगर वो पैसे आप अपने पास रख लो तो। भाभी को देना, भाभी रख लेगी, क्या दिक्कत है? भैया भाभी गुस्सा करेंगी। अरे क्यों गुस्सा करेगी यार, आपको पता है भाभी कैसी है, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है। अरे कोई बात नहीं, दिल की तो अच्छी है ना, मेरे से अच्छी वो है। अच्छी तो है लेकिन उनको गुस्सा आता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता भैया। अरे एक तेरी भाभी है, वो गुस्सा तो करने का राइट बनता है उसका, उसमें क्या दिक्कत है? यदि कुछ उसको ऐसा लगता है तो ही गुस्सा करती है ना बेटा। वो तू टेंशन नहीं ले, अपने पैसे वहां जमा करवा दे। क्या करूं भैया, आप एक बार रख लो, कोई बात नहीं, मैं थोड़े से जमा करे, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, 5,000 रुपए हैं, आप इनको संभाल के रख लो अपने पास, जब मुझे इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगा। पर मैं एक बात बोलूं, रख तो रहा हूं मैं, पर अपनी भाभी को दे दी तो ज्यादा बढ़िया था। अब मैं नहीं हूँ, वो तुझे जरूरत पड़ जाए फिर क्या करेगी तू? क्या करूँ भैया, मुझे समझ नहीं आता आजकल, जैसे पापा को मैं देखती हूँ ना तो मैंने सोचा मैं घर से उठा ही देती हूँ पैसे, क्योंकि अगर उनके हाथ लगे वो तो एक ही बारी में पी के आ जाएंगे घर पे। अरे इतने पैसे की थोड़ी ना मिलेगा बंदा। पर हाँ तेरी बात में ठीक है, कुछ पता नहीं होता, लेगा 100 की गिरा देगा 500। उनका क्या ही करूँ भैया, कल रात को भी इतना क्लेश कर रहा है, जब यहाँ से गए हैं इतना बुरा हाल कर रखा उन्होंने घर के, कुछ कुछ बर्तन तोड़ दिए हैं, कभी जो चीज हाथ में उनको लगता है कि ये सही चीज है वो बेचने के लायक वो बेच के आ जाते, क्या करूं भैया मुझे समझ नहीं आता। बेटा देख तेरा तो क्लेश तू लेगी साथ में, उसके बाद जो मेरे घर में क्लेश हुआ ना, मेरा बेटा जो आज तक कुछ बोला नहीं वो बोल रहा था मुझे कि आपने दीदी को रखा ना, अब देखो क्या हो रहा है मेरे घर, चार उसके दोस्त उससे पूछ रहे, वो शराबी आदमी बोलता। भैया मैं क्या करूँ, मैंने उनको बहुत रोका था कि नहीं जाना आपके घर, क्या मानता कौन है? एक बार अंदर चली गई तो कौन मान रहा है? क्या करूँ भैया, बड़ी परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। तेरी बात ठीक है बेटा, तू परेशान है मैं मानता हूँ, एग्री हूँ तेरी बात से, और आप तो खुद देख ना तेरी परेशानी के साथ मैं खड़ा हूँ, तेरी भाभी खड़ी है, और कैसे खड़े हो? तू यकीन नहीं मानेगी, तेरे जाने के बाद कितनी देर तक यहाँ पे झगड़ा होता रहा मेरे घर में बेफजूल में। मैं मानती हूँ भैया झगड़ा हुआ होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, जब उनको समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या ही करूँ। तो उस दिन भी तुझे बोला था रिपोर्ट लिखवा दे, 2-4 दिन थाने में रहेंगे ना तो सही हो जाएगा, कानून नहीं मिलेगी तो सही हो जाएगा, पड़ेगा इस चीज से भी उनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, 2 दिन थाने में रहेंगे फिर आ जाएंगे फिर वही मार पिटाई ड्रामे शुरू कर देंगे अपने आके। ये कब तक चलेगा, तो खुद सोच रहा है कब तक चलेगा? चल आज ठीक है तेरी बात बिल्कुल ठीक है, तेरी भाभी मेरे बाहर नहीं जाती है, नहीं तो ऐसा कुछ होता तो वो एक उसी टाइम बोल देती कि इसका हिसाब कर दो पूजा का, पर ऐसा हुआ तो नहीं ना। हाँ जी भैया क्या करूँ भैया, मैं समझ नहीं पा रही अब तक क्या ही करूँ। अरे इतने साल समझना कुछ नहीं है, ये सब चीजें चलती रहती है, और रही तेरी भाभी की बात ना बताने वाली, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सारी जिम्मेवारी उसने उठा रखी, जो भी मेरा लेना देना होता है सब उसी के पास होता है, और तू मुझे दे रही है पैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। क्या करूं भैया मेरी मजबूरी है, बैंक में अकाउंट मेरा नहीं है, और इसलिए तेरी बात ठीक है, पर देख इतने नोट मुझे तू पकड़ा रही है, फिर वही बात हो जाएगी, कहीं मेरे से इधर उधर खर्च हो गया तो फिर समस्या हो जाएगी मेरे लिए। पूजा क्यों आई है? अरे कुछ पैसे थे इसके पास यार, ये नहीं नहीं मैंने जब बोला था कि नहीं रखना मुझे उस लड़की को, फिर क्यों आई है ये आज? अरे यार तुम भी खड़े पैर उसको मना कर रही हो यार, कहाँ जाएगी लड़की यार? जिस तरीके से इसके पापा रोज आके कलेश कर रहे हैं ना मेरे घर में कि दारू के पैसे दे दो मैं मर जाऊंगा मैं कूद जाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। भाभी उसमें मेरी क्या गलती है, आपको मेरी सारी सही बोल रही है यार। गलती इसकी है या नहीं है, इसका बाप है, इसके पीछे पीछे आएगा, जो उसको लत लगी हुई है ना वो उसके पीछे पीछे आएगा, इसका क्या कसूर है? तो ये रोज मेरे घर आएगी वो रोज ही आएगी इसके पीछे। सुन लिया आपने? भाभी मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे काम से मत निकालो, मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ, रोज का कलेश रोज का, भाभी 3 दिन पहले हुआ फिर कल इतना झगड़ा हुआ है, मतलब ये अच्छा लगता है? हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, तू काम कर रही है, हमने तुझे काम पे रखे, हमने गलती कर दी, मैं तो शुरू से मना कर रही थी, क्यों रखा इस लड़की को? क्या करूं भाभी मेरी क्या गलती है, मुझे मेरी गलती तो बताओ क्या है? गलती तेरी ये है, तेरा बाप शराबी है। अरे यार उसका बाप शराबी, उसका क्या कसूर है यार?
तो बाप को कहाँ छोड़ के जाएगी, बाप तो इसके साथ ही रहेगा ना। सोशल वाली बात है, इसके साथ रहेगा तो फिर कलेश मचना ही है, ये तो जहाँ जाएगी वहाँ कलेश मचेगा मचेगा। मैंने इसको अपनी बहन माना है, तो अपनी बहन के साथ इसको लेके बाहर चले जाओ। नहीं नहीं, कमाल है, कैसी बातें करती हो यार। कलेश नहीं होगा, मुझे दारू पीने वाला इंसान नहीं चाहिए यहाँ पे। अब क्या पैसों का क्या सीन है, तुम इसको पैसे दे रहे हो? यार मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मुझे दे रही है कुछ पैसे है, इसके बाद पास हो जाते हैं। झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रही है, कहाँ से पैसे देगी? भाभी को मेरे ही पैसे, मैं घर से लेके पैसे, कहाँ से पैसे लेके आई है, कहाँ से लेके आई है? झूठ मत बोलो, बातों को घुमाओ मत। तुम ऐसा क्यों रखता है यार कि मैं मदद करूंगा यार? वो तुम्हें क्यों देगी पैसे यार? मैंने जोड़ रखे थे पैसे, ये वही पैसे जो हम भैया को अपने बैंक में डाल, अपनी बहन को दे, अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी किसको दे, इनको क्यों दे रही है? अरे इसका नहीं है अकाउंट यार, भरोसा नहीं है मुझे। तुम क्यों इतना फेवर करते हो, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसका फेवर कर रहा हूँ? और क्या कर रहे हो, और ये क्या है? अपने घर में आग लगाओ, जो देना है दो, उसके बाप को भी रख लो, यही रख लो, मेरे हाथ जुड़े, मैं चली। भाभी रिदम क्यों बाबा, इसका दिमाग खराब है यार। भैया मैं क्या करूं, तुम कुछ नहीं कर, मैं बात करूंगा तेरे लिए। आपके घर में झगड़ा हो रहा है भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं भी देख क्या कर सकता हूँ, पर मैं बात ही करूंगा, उसको टेंशन नहीं है बिल्कुल। तो अपना काम दे, मैं बात करता हूँ, और तुझे पैसे चाहिए तो तू रख सकती है। नहीं भैया आप अपने पास रखो, पापा ले लेंगे मेरे से। चल कोई बात नहीं, मैं ठीक है ठीक है।